हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कोर्स को आप इग्नू से कैसे कर सकते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका कोर्स फीस क्या है और कोर्स ड्यूरेशन कितने ईयर का है, एग्जाम सिलेबस, स्टडी मटेरियल और मीडियम ऑफ कोर्स क्या है, और आप इग्नू से कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसके ईमेल आईडी और इसके कोऑर्डिनेटर की बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोर्स डिटेल देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं इग्नू के बारे में। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू जो यूनिवर्सिटी है वो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये पब्लिक टाइप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 1985 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा हुआ है और ये इसका हेडक्वार्टर जो है ये मैदान गढ़ी न्यू दिल्ली में है और इसका जो रीजनल सेंटर है वो 67 सेंटर है आपके पूरे अक्रॉस कंट्री में, आपके हर स्टेट में लगभग आपको इसका सेंटर मिल जाएगा। ये जो कोर्स है ये डिस्टेंस मोड से कोर्स प्रोवाइड कराएगा आपको बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यानी बिलिस और बिलिव का। लेकिन डिस्टेंस होने के बावजूद भी आप जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं लाइब्रेरी साइंस के उसकी फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं और आप नौकरी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये डिस्टेंस मोड से आप कोर्स करते हैं तो आप सरकारी नौकरी नहीं हो सकती, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी आप इजीली ले सकते हैं। आपको ये कोई बाउंड ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस मोड वाले स्टूडेंट सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं, आराम से फिलअप कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोर्स नेम। ये कोर्स नेम है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इसको हम बिलिस या BLIS भी बोलते हैं या बिलिव .sc भी बोलते हैं, बैच ऑफ लाइब्रेरी एंड साइंस इंफॉर्मेशन साइंस। जो मीडियम ऑफ कोर्स है इग्नू का वो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्टूडेंट है वो कैन राइट असाइनमेंट एंड TEE इन हिंदी लैंग्वेज ऑल्सो। मतलब ये इंग्लिश मीडियम में कहने का सिर्फ मतलब ये है कि आप इग्नू से जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा, तो ये आप कोर्स इंग्लिश मीडियम में भी कर सकते हैं और हिंदी मीडियम में कर सकते हैं, लेकिन आपको इग्नू आपको हिंदी मीडियम में जो मटेरियल है स्टडी मटेरियल वो प्रोवाइड नहीं कराता है, आपको इंग्लिश मीडियम प्रोवाइड कराएगा, लेकिन आप हिंदी मीडियम से भी एग्जाम और असाइनमेंट जमा कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं फाइनल एग्जाम, और आप हिंदी मीडियम में कोर्स को कर सकते हैं। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप गाइड ले सकते हैं हिंदी मीडियम में इग्नू का आता है और आप PDF में बुक डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है बुक और गाइड का, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं बुक और बाय कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद बात करते हैं एलिजिबिलिटी का। देखिए, आपके पास किसी भी ब्रांच से 50% मार्क्स है और 45% मार्क्स है SC ST OBC और PH कैटेगरी के लिए, तो आप ये डिग्री के लिए इलिजिबल है, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। आपके पास साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस है या बैचलर ऑफ आर्ट्स है या बीटेक है या एमटेक है, कुछ भी है, तो आप इस कोर्स को करने के लिए इलिजिबल है, लेकिन 50% मार्क्स होना चाहिए जर्नल और जर्नल के लिए और SC ST OBC और PH कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपने आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं है लेकिन बैचलर डिग्री विथ डिप्लोमा 1 ईयर इन लाइब्रेरी साइंस, 12th के बाद 1 ईयर का डिप्लोमा होता है बैचलर ऑफ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, तो वो अगर आपने किया हुआ है तो उसके बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ साथ बैचलर डिग्री विथ 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस, अगर आपने बैचलर डिग्री किया है और 2 ईयर का आपको लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस में कहीं भी आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं इग्नू से डिस्टेंस मोड में। ब्लिस कोर्स का ड्यूरेशन जो हो 1 ईयर है मिनिमम, आप 1 ईयर का ये कोर्स है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के आप फेल हो जाते हैं या आप नहीं एग्जाम दे पाते हैं तो आप मैक्सिमम 4 ईयर के अंदर, आपको 4 ईयर के अंदर ये कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। सेशन जो होता है जनवरी और जुलाई साइकिल में एडमिशन होता है, यानी कि 2 सेशन चलते हैं, 1 जनवरी टू जनवरी, 1 जुलाई टू जुलाई, तो आप जनवरी से जनवरी में भी एडमिशन ले सकते हैं, जुलाई टू जुलाई में ले सकते हैं। और ब्लिस फी की बात करें, फी स्ट्रक्चर की, टोटल 7200 रुपया लगते हैं आपको, 7200 रुपया लगेंगे आपको इसके कोर्स को फाइनल करने में, यानी कि आपको इसी में सभी चार्ज हैं, एडमिशन या मटेरियल स्टडी मटेरियल सभी चार्ज इसी में इंक्लूड है। एडमिशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट ignou.ac.in या आप इग्नू ब्रांच सेंटर जहां से आप कहीं भी रहते हैं देश में और वहां से जो नजदीकी ब्रांच सेंटर है वहां पे आप जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और नहीं तो आप
ये बैचन रही है बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस कोर्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, जो इनका कोऑर्डिनेटर नाम है उनका जयदीप शर्मा नाम है प्रोफेसर, और इनका ईमेल आईडी है jaydeep@ignou.ac.in। आपको इनसे ईमेल आईडी से भी संपर्क करके आपको कोई अगर क्यूरी है तो आप इनसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप फोन से भी इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 01129572740, कॉल ओनली इन वर्किंग आवर, आपको संडे को कॉल नहीं करना है और 10 to 4 या 5 PM तक कॉल करना है। और ये कॉल करके आप इनसे और भी डिटेल, आपको अगर कुछ भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ, या आप कॉल करके आप कन्फर्म कर सकते हैं। ये प्रोफेसर जयदीप शर्मा इसके कोऑर्डिनेटर जो है इस प्रोग्राम यानी इस कोर्स प्रोग्राम का बिलिस का बैच ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस का, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उसके बाद इसके सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में आपको मैं बता दूं टोटल जो पेपर होते हैं इसमें थ्योरिटिकल पेपर और प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, जिसमें लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन सोसाइटी यानी समाज लाइब्रेरी एंड समाज होता है इसका, इन्फॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस रेफरेंस ऑफ सूचना स्रोत, उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजिंग इन्फॉर्मेशन, ICT फंडामेंटल कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट एंड सर्विस और ICT इन लाइब्रेरी। ये आपका कोर्स का टोटल रूपरेखा है। इसमें क्रेडिट मिलते हैं आपको 4-4 क्रेडिट का सभी होते हैं, टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं तो 36 आपका टोटल क्रेडिट बनता है बिलिस के लिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं librariesaints.in। अगर इस कोर्स से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है वहां पर क्लिक करके आप जाके और रीड कर सकते हैं डिटेल में। ये एक शॉर्ट फॉर्म में था हमारा, जो कम समय में आपको मैक्सिमम हम गाइड दे सकें इसकी प्रयास की गई थी। और फेसबुक आप हमारे librariesaints.in सर्च करके फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल library.science को भी सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप फेसबुक पेज पे जाएंगे तो वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल।